हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो फिर से आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि ओपन कार्ट मार्केट प्लेस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इस मॉड्यूल के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से इस मॉड्यूल के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो ये मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में बताऊँगा, प्रैक्टिकल के साथ समझाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस मॉड्यूल के बहुत सारे फायदे हैं, तो चलिए जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मॉड्यूल मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है, देखिए मेरा लोकल होस्ट चल रहा है, लोकल होस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल मैं आपको लोकल होस्ट के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी फ्रेश वेबसाइट है इंस्टॉल की हुई। ठीक है, मॉड्यूल मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये सारे प्रोसेस मैं इसलिए कर चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मॉड्यूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे A1 एक्सटर्नल लिंक्स लिखा हुआ है, ये मॉड्यूल मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको इंस्टॉलर से इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है इस तरीके से, और इसको सेव कर देना है बस। ठीक है, इतना ही करना है मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद। अब चलिए मैं आपको इसके बेनिफिट दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड किया, और एक ओपन कार्ट का जो डेमो प्रोडक्ट है वो है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट के लिंक्स ओपन किए हैं आपको दिखाने के लिए, एक प्रैक्टिकल जो मैं आपके इसके अंदर मैं आपको जो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम सीधे आ जाते हैं कैटालॉग प्रोडक्ट्स के अंदर। आप देखेंगे नॉर्मल मैंने प्रोडक्ट जो है वो ऐड किए हुए हैं डिफॉल्ट फॉर्मेट के अंदर, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जैसा ओपन कार्ट बाय डिफॉल्ट होता है वही है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और ये देखिए, ये भी बाय डिफॉल्ट वैसा का वैसा ही है। तो इस मॉड्यूल का फायदा क्या है, मान के चलते हैं। अब देखिए, पहला जो बेनिफिट है इस मॉड्यूल का वो ये है कि मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्ट है जिसको आप मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं आप अमेजोन पर भी सेलर हैं, आप फ्लिपकार्ट पर भी सेलर हैं, आप ईबे पर भी, इस तरीके से आप बहुत सारी वेबसाइट पर सेलर हैं, और आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट भी है। तो पहला जो फायदा है इस मॉड्यूल का वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कॉम्पिटेटिव प्राइस दे सकते हो, एक अट्रैक्टिव प्राइस अपने बायर को दे सकते हो, ताकि बायर जो है इस प्रोडक्ट को अदर वेबसाइट से ना परचेज करके आपकी वेबसाइट से परचेज करे। चलिए मैं आपको विद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसको एडिट करते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर टैब मिलेगा एक्सटर्नल लिंक का, ये रहा। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये मेरा, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ओपन किया है, मान के चलते हैं ये मेरा स्टोर है, ये मेरा प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है यही वाला। तो ये मैं अमेजोन पर भाई इतने का सेल कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पर मैं इतने का सेल कर रहा हूँ, और मैं ईबे पर इतने का सेल कर रहा हूँ। मैंने तीन स्टोर ओपन किए, आप अनलिमिटेड लिंक्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जो मैं करने वाला हूँ। तो ये मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिंक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं मैं यहाँ पर अमेजोन का पहले ऐड करने वाला हूँ, तो फिलहाल मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, तो यहाँ पर सबसे सस्ता आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट पर ओपन किया हुआ है, 269 रुपये का है। यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट पर मैं सेल कर रहा हूँ 55 रुपये का कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा कुछ सस्ता होगा, इसको मैं 150 रुपये कर देता हूँ। मान के चलते हैं मैं अपनी वेबसाइट पर 150 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, वहीं जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन की वजह से वहाँ कमीशन भी देना होता है, बहुत से रीज़न होते हैं। तो अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर अदर मार्केट प्लेस पर मैं महंगा सेल कर रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ पर अमेजोन का स्टोर लिंक ऐड करने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे, एडिट पर मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से। तो देखिए, मैंने पहले से इमेज वगैरह सब ऐड कर दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैं सीधे अमेजोन का लोगो ले लूँगा ये। ठीक है, एक्सटर्नल जो स्टोर का लिंक है वो यहाँ मैं ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ से सीधे URL इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एक्सटर्नल URL, और यहाँ पर मैंने स्टोर का प्राइस दे दिया। प्राइस क्या है अमेजोन के ऊपर, मान के चलते हैं मैं 1879 रुपये का सेल कर रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ भी अलग नहीं डाल रहा हूँ, सेम वही डाल रहा हूँ, 1879 रुपये का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्राइस दे दिया। ये क्या है, शॉर्ट ऑर्डर, आप कौन सा एक नंबर पर रखना चाहते हैं, कौन सा दो नंबर पर रखना चाहते हैं, ये वो, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, पहले नंबर पर यही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टोर में लिंक ऐड कर देता हूँ फ्लिपकार्ट का। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट पे भी मैं सस्ता सेल कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट का ये मैंने फ्लिपकार्ट ऐड कर दिया। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट का URL जो है वो पेस्ट कर देता हूँ ये। तो
तो यहाँ कितने का कर रहा हूँ, यहाँ 200 कुछ का कर रहा हूँ, चलिए मैं 300 कर देता हूँ सीधे, मान के चलते हैं मैं 300 का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं कितने का कर रहा हूँ यहाँ, ये किसी और का प्रोडक्ट है, मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ पर इतने का कर रहा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ये। ठीक है, इसको मैं एक नंबर पे कर देता हूँ। अब ईबे पर भी मैं सेल कर रहा हूँ, ईबे पर मैं $15 का सेल कर रहा हूँ, तो एक ऐसे ही दिखाने के लिए आपको डाल देता हूँ जल्दी से। तो इसमें आप अनलिमिटेड इस तरीके से लिंक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं ईबे ले लेता हूँ, ये मैंने ईबे ले लिया, यहाँ से मैं स्टोर का लिंक जो है वो शेयर करके कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया लिंक, और कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया प्रोडक्ट का लिंक। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए डाल दिया, भाई यहाँ मैं कितने का कर रहा हूँ, 300 रुपये का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने दो नंबर डाल दिया। तो यहाँ क्या होगा, जीरो मतलब पहले अमेजोन का आएगा, फिर फ्लिपकार्ट का आएगा, फिर ईबी का आएगा। ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर मैंने कर दिए। अब जैसे ही मैं इनको सेव करूँगा, सेव करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ लिंक आ जाएंगे। ये देखिए, तो सेम प्रोडक्ट पे मैंने अपने जो मेरा क्लाइंट है उसको मैंने चॉइस दे दी कि भाई आप सेम प्रोडक्ट जो मैं अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहा हूँ वो 150 रुपये का है, लेकिन आप चाहें तो आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, वो 1879 रुपये का है। आप फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं, 269 रुपये का है, और आप ईबे से भी कर सकते हैं, 300 रुपये का है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ हमने अपने क्लाइंट को एक चॉइस दी। देखिए शुरू शुरू में क्या होता है कि मान के चलते हैं कि कोई नया क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आया, इसको ऐसे समझिए, और कई बार नए क्लाइंट्स को क्या होता है, ट्रस्ट इशू होता है, वो आपकी वेबसाइट से परचेज नहीं करना चाहते, उनको ये लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि पैसा रख के बैठ जाए, बहुत कोई भी रीजन हो सकता है, उनको ट्रस्ट इशू होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ऐसा माइंड सेट होता है कि भाई हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ही बाय करेंगे, चाहे वहाँ से महंगा मिले, लेकिन किसी से पर्सनली बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो क्लाइंट है ना वो जाएगा नहीं आपको छोड़ के। अब मान के चलिए ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं अपनी वेबसाइट पर तो 150 रुपये का सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अदर मार्केट प्लेस पर भी सेल करता हूँ, तो मैंने अपने बायर को चॉइस दी है कि भाई मैं अदर मार्केट प्लेस पर भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी चाहें तो इसको परचेज कर सकते हो, उसके प्राइस मैंने यहाँ दिखा दिए। ठीक है, तो मेरा बायर जो है वो जाएगा नहीं, मेरा बायर लॉस नहीं हुआ, वो यहाँ से परचेज नहीं करेगा तो अमेजोन से कर लेगा, फ्लिपकार्ट से कर लेगा, ईबे से कर लेगा, तो कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा कर करेगा मेरे से ही, और उससे मेरे को बिजनेस मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इस मॉड्यूल से आपका जो बायर है वो लॉस नहीं होता, और आप इस मॉड्यूल से कॉम्पिटिटिव प्राइस अपने बायर को दे सकते हो, एक अच्छा प्राइस अपने बायर को दे सकते हो, और अदर वेबसाइट्स को कॉम्पिटिशन इस तरीके से दे सकते हो। अब देखिए किस तरीके से लिंक्स काम करते हैं, मैं तीनों लिंक्स बंद कर देता हूँ। अब मान के चलते हैं मुझे फ्लिपकार्ट को, मैं एज ए बायर आया और मुझे फ्लिपकार्ट पे मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं बस यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करूंगा, और ये देखिए न्यू टैब में फ्लिपकार्ट सेम प्रोडक्ट जो हमने लिंक ऐड किया था वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ईबे, ये देखिए मैं आपको सारे लिंक्स ओपन करके दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से अमेजोन, ये देखिए तो आपके सामने मैंने लिंक्स ऐड किए। तो आप इस तरीके से लिंक्स जो है वो अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक तो फायदा मैंने आपको ये दिखा दिया, दूसरा इसका फायदा क्या है मॉड्यूल का, कि आपको जब यहाँ पर ये लिंक शेयर करने हैं ना दोस्तों, तो आपको इस तरीके से लिंक शेयर नहीं करने जैसे मैंने किए, मैंने क्या किया, मैंने तो सीधे यहाँ से URL से उठा लिया। आप ऐसा मत करिएगा, आप एक काम करिएगा, आप जो है एज ए एफिलिएट रजिस्टर करिएगा इन वेबसाइट्स के ऊपर, और इन ये जो लिंक्स हमने यहाँ पर शेयर किए हैं प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पर ये जो लिंक हमने शेयर किए हैं यहाँ पर, ये आप एफिलिएट लिंक शेयर करिएगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि बायर के पर क्लिक या बायर के जैसे भी अब एफिलिएट सामने वाले का काम करता हो, ठीक है, तो बायर की पर सेल पे भी आपको कुछ ना कुछ एफिलिएट से बेनिफिट होगा, तो आपके स्टोर से भी आपको बिजनेस मिल रहा है और एफिलिएट से भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो ये कि घुमा फिराकर बायर जो है वो आपसे ही परचेज करेगा। अब सेम प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर सेल कर रहे होंगे अमेजोन के ऊपर, तो क्या गारंटी कि बायर अगर डायरेक्ट आएगा तो वो आपके स्टोर से ही परचेज करेगा, वो तो किसी से भी कर सकता है, लेकिन यहां से क्या हो रहा है कि यहां से हम डायरेक्ट अपने बायर को अपने ही स्टोर पर भेज रहे हैं। यहाँ से मान के चलिए अगर वो अमेजोन का बायर है या फ्लिपकार्ट का बायर है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसको अपने स्टोर का लिंक दे रहे हैं, वो किसी और स्टोर पर जा ही नहीं रहा, तो उसके पास चॉइस है। पहला बेनिफिट तो ये हो गया, दूसरा मैंने आपको बता दिया, आप एफिलिएट लिंक शेयर करिएगा तो एफिलिएट से भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या है, बहुत सारे आप में से ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो सिर्फ एफिलिएट बिजनेस ही करते हैं, मान के चलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मैं सेल नहीं कर रहा हूँ और मैं एफिलिएट बिजनेस कर रहा हूँ अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी मार्केट प्लेस से, मैं सिर्फ एफिलिएट बिजनेस करता हूँ, मैं सिर्फ एफिलिएट से ही कमाता हूँ,
समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को पूरे तरीके से एज ए एफिलिएट बिजनेस के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये प्रोडक्ट मैं इन तीन वेबसाइट पर एफिलिएट बिजनेस कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। एफिलिएट में मैंने रजिस्टर किया हुआ है, प्रोडक्ट मैं अपनी वेबसाइट पर एज एफिलिएट सेल कर रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, इसकी ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये ब्लॉगिंग ही है, यहाँ पर बहुत सारे मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में। आपको पता ही होगा अगर आप ओपन कार्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। और कुछ एक दो मॉड्यूल्स ऐसे हैं उनको अगर आप और ऐड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि मैं फुल एफिलिएट बिजनेस कर सकता हूँ। कैसे, देखिए अभी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ऐड टू कार्ड बटन वगैरह सब कुछ आ रहा है, प्राइस वगैरह है। अब मैं इसको देखिए फुल इसको एफिलिएट में कन्वर्ट कर रहा हूँ वेबसाइट को। कैसे करूँगा, कुछ नहीं करना मुझे, जाहिर सी बात है मैं अपनी वेबसाइट से सेल नहीं कर रहा हूँ, ये एफिलिएट प्रोडक्ट है। तो इसको मैं प्राइस को हटा दूंगा, भाई प्राइस नहीं होगा ना, और क्वांटिटी को हटा दूंगा, क्वांटिटी का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं तो अमेजोन पर ही सेल, अमेजोन पर ही जो है प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट से जो है वो ट्रैफिक कन्वर्ट हो, मैं बस ये चाहता हूँ। तो यहाँ देखिएगा जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, मैंने क्या किया, प्राइस हटा दिया और क्वांटिटी हटा दी। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करते ही आप देखिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और आप देखेंगे प्राइस चला गया और एड टू कार्ट बटन चला गया, क्वांटिटी चली गई। यहाँ जो बायर है वो रिव्यू दे सकता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकता है एज अ रिव्यू के तौर पे। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ तीन ही हैं बाई नाउ के, कि वो सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन से परचेज कर सकता है, या फ्लिपकार्ट से कर सकता है, या ईबे से कर सकता है। तो इस मॉड्यूल से आप अपनी वेबसाइट को पूरे तरीके से एक एफिलिएट के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, एफिलिएट बिजनेस के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों फायदे हैं इस मॉड्यूल के, ठीक है ना। और ये मॉड्यूल आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने साफ साफ रेड कलर में लिखा हुआ है, आप परचेज करने के बाद मेरे से ना भूलिएगा कि आप इस तरीके से काम करना है, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी तरीके के रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं करता हूँ। अगर आपको मॉड्यूल में कोई भी इशू आता है, कैपेबिलिटी आप यहाँ देख लीजिएगा, सिर्फ 3 को सपोर्ट करता है ये मॉड्यूल। और आपको अगर जो है किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको मेरे को जो क्रेडेंशियल्स हैं FTP के और एडमिन लॉगिन डिटेल्स जो है वो आपको मेरे से शेयर करने पड़ेंगे, तभी मैं आपको सपोर्ट दे पाऊंगा। आप अगर मेरे से ये कहें कि मैं आपको एनी डेस्क पर या टीम व्यूअर पर मैं जो है वो काम कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होते हैं वो कभी भी एनी डेस्क और टीम व्यूअर पर नहीं होते, ठीक है। तो आपको मेरे साथ शेयर करने होंगे, ये आप पहले यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो सिंगल परचेज जो है एक डोमेन के लिए ही एप्लीकेबल होगी, और जो सपोर्ट लिमिट है इसकी वो 1 मंथ की है, यानी कि 1 महीने तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा। 1 महीने के बाद आप मेरे से अगर सपोर्ट मांगेंगे तो मे बी मैं आपको प्रोवाइड ना कराऊं सेम मॉड्यूल के लिए, क्योंकि 1 मंथ बहुत होता है। एक बार मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया और वो प्रॉपरली काम करने लगा तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, जब तक आप खुद से उसके अंदर प्रैक्टिकल्स ना करें, ठीक है ना। यानी कि खुद से अगर नॉलेज नहीं है और खुद से अगर डेवलपर आप बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे फॉल्ट हो सकते हैं, तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ। और ये मॉड्यूल जो है सिर्फ 2 थीम पर ही सपोर्ट अभी कर रहा है, 2 थीम पर ही मैंने टेस्ट किया, एक डिफॉल्ट पर और एक जनरल 3 पर। तो मैंने आपको मॉड्यूल के बारे में सब कुछ बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको मॉड्यूल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।